नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिवाली विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानते हैं बलि प्रतिपदा क्यों मनाई जाती है। बलि प्रतिपदा को बलि पूजा भी कहा जाता है, जो गोवर्धन पूजा के साथ आती है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण और गिरिराज को समर्पित है। बलि प्रतिपदा पर राजा बलि की पूजा करने की परंपरा भी है। यह त्यौहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, उत्तर भारत और कर्नाटक में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जबकि बलि प्रतिपदा में राक्षस के राजा बलि की पूजा भी करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बलि नाम का एक दैत्य राजा हुआ करता था। उसकी बहादुरी के चर्चे समस्त पृथ्वी में थे। ये दैत्य राजा भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। ये दैत्य होते हुए भी बहुत उदार और दयालु था। इस राजा के राज्य की समस्त प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। राजा धर्म और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहता था। बलि अजय माना जाता था। वो कहता था उसे कोई हरा नहीं सकता। भगवान का उपासक होने के बावजूद उसकी ये बात में अभिमान और गुमान झलकता था। इस राजा का ये स्वभाव विष्णु के सच्चे भक्तों को पसंद नहीं था। मुख्य रूप से सभी देवी देवताओं को दैत्य राजा की लोकप्रियता से ईर्ष्या होती थी। तब सभी देवी देवता मिलकर विष्णु के पास जाकर मदद मांगते हैं। विष्णु जी पृथ्वी पर एक बार फिर अवतरित होते हैं। विष्णु जी बलि को नष्ट करने के लिए वामन अवतार में आते हैं। विष्णु जी ने धरती पर 10 अवतार लिए थे। वामन उनका 5वां अवतार था। ये बुराई को नष्ट करने, सुख समृद्धि शांति के लिए धरती पर आए थे। वामन एक बौने ब्राह्मण थे, जो बलि राजा के पास भिक्षा मांगने जाते हैं। राजा बलि के राज्य में उस दिन अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। यह यज्ञ अगर पूरा हो जाता तो राजा बलि को हराना इस दुनिया में किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। इतने बड़े मौके पर बलि के राज्य में आए ब्राह्मण को राजा बलि पूरे सादर सत्कार के साथ बुलाकर अतिथि सत्कार में लग जाते हैं। राजा बलि वामन से पूछते हैं कि वे उनकी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, उन्हें क्या चाहिए। तब विष्णु रूप वामन राजा से बोलते हैं कि उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 बीघा जमीन चाहिए। बलि ये सुनकर तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास किसी बात की कमी नहीं होती। धरती पाताल सभी उसके होते हैं। अगर अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाता तो देवलोक में भी राजा बलि का राज्य हो जाता। राजा बलि वामन को पहला डग रखने को बोलते हैं। जिसके बाद वामन अपने विशाल विश्व रूप में आ जाते हैं, जिसे देख सभी अचंभित हो जाते हैं। वामन पहला कदम बढ़ाते हैं, जिसके नीचे समस्त ब्रह्मांड अंतरिक्ष आ जाता है। इसके बाद दूसरे कदम में समस्त धरती समा जाती है। वामन के पास तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब बलि अपना सर उनके सामने रखते हैं, ताकि वामन को दी गई उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो सके। वामन इसके रूप को देख बलि समझ जाते हैं ये विष्णु की ही लीला है। विष्णु बलि को पाताल लोक में रहने को बोलते हैं। बलि भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, उन्हें एक ऐसा दिन दिया जाए जब वे अपने लोगों, अपनी प्रजा के पास आकर उन्हें देख सके। बलि प्रतिपदा का दिन राजा बलि का धरती पर आने का दिन है। मानते हैं यह दिन अंधियारे पर उजाले का प्रतीक माना जाता है। विष्णु जी बलि को ये भी बोलते हैं कि वे सदा उनके आध्यात्मिक गुरु रहेंगे। इसके साथ ही वे बोलते हैं कि बलि अगले इंद्र होंगे। पुरंदर वर्तमान इंद्र है। दिवाली विशेष में आज हमने जाना कि बलि प्रतिपदा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में वक्त चला यही रुकने का। आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।